छात्र राष्ट्रीय जनता दल वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इकाई की एक दिवसीय बैठक स्थानीय श्री कृष्ण चेतना समिति के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नव मनोनीत छात्र राजद वीवी अध्यक्ष विशाल यादव ने किया, जबकि संचालन छात्र राजद भोजपुर के जिला अध्यक्ष अनुराग पांडे ने किया। बैठक में मुख्य रूप से कमेटी विस्तार, आगामी छात्र संघ चुनाव, आगामी 9 सितंबर को आरा की पावन धरती पर छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष सर्जन स्वराज की आगमन की तैयारी एवं छात्र राजद के सदस्यता अभियान चलाने पर चर्चा की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे छात्र राजद के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक रंजन ने कहा कि आगामी छात्र संघ चुनाव में छात्र राजद मजबूती के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने कमेटी विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कमेटी को कॉलेज स्तर तक मजबूत करना है, साथ ही सदस्यता अभियान चलाना है। सभी नव मनोनीत छात्र नेताओं को छात्र राजद के पदाधिकारी आलोक रंजन, राजा पासवान, विशाल यादव, अनुराग पांडे द्वारा मनोनयन पत्र दिया गया। वहीं कई छात्रों ने छात्र राजद की सदस्यता भी ली, जिसमें रणवीर कुमार, गोलू दीपांशु, रिजवान चंदन, अंकित सिद्धार्थ, धनंजय यादव मौजूद रहे। किया जा रहा है संगठन की तरफ से, वहाँ आप नियुक्ति करना सुनिश्चित करें। और जाहिर सी बात है, हम लोग छात्र हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल ये कतई नहीं कहता है कि आप दिन रात छात्र राजनीति में लगे रहें। छात्र राजनीति है विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा छात्र राष्ट्रीय जनता दल कमेटी विस्तार को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हमारे सभी छात्र साथीगण मजबूत हैं, छात्र राजद के कार्यकर्ता पूरे शाहबाद से आए हुए हैं, जिनको आज हम लोग बैठक के माध्यम से सबको माला पहनाकर कमेटी के सदस्य बनाएंगे और छात्र राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। नई कमेटी है, हमको नया अध्यक्ष बनाया गया है और हम नई कमेटी तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आज बैठक है। क्या नाम आपका? विशाल यादव, अध्यक्ष। क्या उद्देश्य? देखिए, आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इकाई की एक दिवसीय बैठक है। इस बैठक में हम लोग मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। जो नए अध्यक्ष हम लोगों के बने हैं, इनके नए कमेटी विस्तार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कमेटी विस्तार के एजेंडे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगामी जो छात्र संघ चुनाव होने वाला है, छात्र संघ चुनाव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आगामी 9 सितंबर को छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सृजन स्वराज जी आरा आने वाले हैं, उसकी तैयारी को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। और जो चौथा जो मुख्य हम लोगों का है कि पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये चार बिंदुओं को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज जो हमारे नए अध्यक्ष जी हैं विशाल जी, इन्होंने अपनी कमेटी को विस्तार किया है। तमाम पदों पर उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता, तमाम ऐसे पदों पर छात्रों को इन्होंने जोड़ने का काम किया है। हम लोग छात्रों को जोड़ने का एक ही मकसद है कि हम लोग छात्राओं की जो जमीनी जो अधिकार की लड़ाई है, उसको छात्र राष्ट्रीय जनता दल सुनिश्चित करना चाहता है। कॉलेज कैंपस में हो या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में, हम लोग छात्रों की आवाज़ बनना चाहते हैं। छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी को लेकर हम लोग आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल की बैठक कर रहे हैं।